Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज रंजन और आप देख रहे हैं जेटेट की तैयारी। तो फ्रेंड्स, आज बहुत सारे साथी मेरे सवाल करते रहते हैं कि सर मेरे जिला में कौन सी भाषा चलता है, मेरे जिला में कौन सी भाषा चलता है, कौन से रीजनल लैंग्वेज हैं जो मेरे जिला में है, मुझे पता नहीं है, प्लीज हेल्प मी। तो आज मैं सबको हेल्प करने के लिए एक वीडियो लाया हूं कि कौन से जिला में कौन से रीजनल लैंग्वेज चलते हैं। तो इससे पहले दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए, ये सबके जरूरी की चीज है और सभी लोगों के लिए आवश्यक है जानकारी। तो इसमें मैं दो चीज बताऊंगा फ्रेंड्स, आपको एक जिला कोड भी बताऊंगा कि आपके जिला का कोड क्या है, और फिर लैंग्वेज बताऊंगा और लैंग्वेज के साथ में आपके लैंग्वेज का कोड क्या है। तो चलिए, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जिला है, ये जिला है और जिला का कोड है। तो आपका जिला जहां पर होगा उसका क्या कोड है, तो यहाँ पर देख लीजिए, रांची जिला है तो रांची का शुरू करते हैं, 01 इसका कोड है, 02 है, इस तरह से फ्रेंड्स 03 है और 04, 05, 06, 07 और ये है 08, 09, फिर यहां से आ गया 10, 11, फिर ये है आपका 12, ये है 13, 14 है, 15, इस तरह से कंटिन्यू बढ़ते रहा, 16, 17, 18, ये 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो ये आपके जिला का कोड है। आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको हेल्प करेगा उसमें ऑनलाइन में कि आपके जिला का कोड क्या है। हालांकि उसमें दिया जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है, लेकिन आप अगर अपने जिला का कोड याद रखोगे तो और अच्छी बात है। तो जैसे मैं कोडरमा जिला से हूं तो मेरे जिला का कोड 14 है ना, ये 14 मेरे जिला का कोड है। तो आपका कौन सा जिला है और आपके जिला का कोड क्या है वो आप आराम से याद रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये है जिला कोड। और इसके बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स, इसके बाद में हम भाषा पे जाएंगे कि हमारे जिला में कौन से भाषा बोले जाते हैं और उसका कोड क्या है और कौन कौन से भाषा झारखंड के टीटी में मान्यता प्राप्त है, कौन सी भाषा क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज, कौन कौन से रीजनल लैंग्वेज को झारखंड में मान्यता प्राप्त है, तो वो रीजनल लैंग्वेज इसके बाद अभी देखते हैं। तो आप जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए मेरे साथ। और तो फ्रेंड्स, ये है वो भाषा जिनको झारखंड टीटी में मान्यता प्राप्त है, इसको रीजनल लैंग्वेज में रख सकते हैं, इसमें से कोई भी भाषा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि फ्रेंड्स, आपके जिला में कौन सी भाषा बोली जाती है जिनको मान्यता प्राप्त है, उसी लैंग्वेज को आपको रखना है। तो यहाँ पर आप अपने जिला के हिसाब से देखिए कि आपके जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है। कुछ मैं हेल्प करता हूँ आपको, सबसे पहले इनका कोड बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोड को याद रखिएगा, आपको फॉर्म भरने के समय में काफी हेल्प मिलेगा। हो सकता है तो कोई गलती कर दे, लेकिन आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आपको उस जिला का कोड पता है। सबसे पहले कुड़ुख या फिर उरांव, इसका कोड 51 है फ्रेंड्स, 51। खड़िया का 52 है, मुंडारी का 53 है फ्रेंड्स, असुर का 54, बिरहोर का 55, हो का 56, भूमिज का 57, संथाली है 58, मालतो है 59, कुरमाली या करमाली है ना 60, नागपुरी 61, पंच परगनिया 62, बंगला 63, उड़िया 64, मगही 65, भोजपुरी 66, खोरठा 67 और अंगिका 68। तो ये है क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा और उसके साथ में है उसका कोड। तो इन भाषाओं को में से ही आपको झारखंड टेट के लिए तैयारी करनी है, इसे एक्स्ट्रा भाषा नहीं तैयारी करनी है फ्रेंड्स। अभी हमारे जो डॉक्टर नीरा यादव शिक्षा मंत्री बनी थी तो उन्होंने कहा था कि मगही और भोजपुरी ये दो भाषा हमारे झारखंड के नहीं है, ये बिहार की भाषा है और हमारे झारखंड में इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इस विषय में, इस भाषा से जो टीटी पास हैं झारखंड में,
तो उनको शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इस पर एक बहुत बड़ी बहस हुई थी और बहुत से लोग प्रदर्शन भी करने लगे थे जो मगही और भोजपुरी लेकर के टीटी पास किए थे। फिर बाद में सरकार ने इसे मान्यता दे दी और सरकार ने वापस ले लिया, बोला चलो ठीक है मगही और भोजपुरी की मान्यता अभी भी बरकरार है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने टीटी पास किया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हो सकती थी, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। तो इन भाषाओं को आप अपने जिला के हिसाब से इन भाषाओं को देख लीजिए कि आपके जिला में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें कुछ आपको मदद करने वाला हूं क्योंकि इसमें से ज्यादातर जो बोला जाता है, सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा कौन है तो खोरठा है, 13 जिलों में बोला जाता है फ्रेंड्स, ये खोरठा भाषा जिसका कोड 67 है और 13 जिलों में बोला जाता है, झारखंड के 13 जिले। कौन कौन जिले हैं जिसमें सिर्फ जिसमें ये खोरठा बोला जाता है, एक नजर देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रामगढ़ से हजारीबाग कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, देवघर, ये 13 जिले हैं फ्रेंड्स। ये 13 जिले में इन 13 जिलों में खोरठा भाषा बोली जाती है। इन 13 जिलों के अलावे जो जिले हैं उसमें से कहीं भोजपुरी है तो कहीं मगही है, कहीं नागपुरी है, कुरमाली है, इस तरह से विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है। मैं 24 जिला के बारे में तो मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है फ्रेंड्स, मैं क्योंकि गलत जानकारी देना नहीं चाहता, तो मुझे 13 जिलों का पूरा लगभग लगभग कंफर्म ही हूँ। अगर इस पर कोई डॉट हो किसी को तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर प्रॉब्लम है इस जिलों में, लेकिन मेरे ख्याल से ये 13 जिला ही है जो खोरठा भाषा इन 13 जिलों में बोली जाती है। इसके अलावा आप रांची में देख लोगे तो शायद रांची में नागपुरी बोली जाती है ना, और भी भाषाएं हैं तो आपको पलामू, गढ़वा, ये सब में शायद भोजपुरी चलता है, तो देख लेना अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से आपके जिला में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इन भाषाओं को देख लीजिएगा कि इन्हीं भाषा में से आपको रखना है, टेट की तैयारी करनी है, इन्हीं भाषाओं में से एक भाषा को सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। बहुत से जिला ऐसा है कि 2-3 भाषा वहां मान्यता प्राप्त है, तो जो भाषा आपको पसंद आए, जो आपको इजी लगे। तो मुझे विश्वास है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए था और आप लोगों ने कमेंट किया था, और आप लोग जो डीएलएड किए नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं है, जो पहले से जो टीटी पास है उनको तो कंफर्म पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं है कि सर कौन सा भाषा पढ़ी जाए और कौन सा नहीं पढ़ी जाए। तो गुड्डा से कमेंट आया, तो पलामू से, तो इस तरह से बहुत से जिलों से कमेंट आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि एक ऐसा वीडियो बना देता हूँ जो सबके लिए लाभदायक हो। तो आज मैं उस वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए, और आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, बीच में कट करके ना भागिए प्लीज, आप पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज तक के लिए बस इतना ही था, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।